बीजेपी हारी तो देशद्रोही कौन कराए, दलित पिछड़े, और जब वहाँ पे भागीदारी की बात है पांडे जी को बैठा दिया, ये कहाँ का नियम है? ये देख लेंगे दलितों का। ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये देश भर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सवाल है। ये हमारा सवाल भी है कि अखिलेश यादव भागीदारी तय करें, अखिलेश यादव पार्टिसिपेशन तय करें। अब देखिए, चाचा भतीजा उनका पर्सनल है, वो जाने, पार्टी भी उनकी है, तय वो करें। हम लोग बस सवाल उठा सकते हैं, इस पे सवाल है। ऐसा नहीं कि उनको पांडे को बनाना चाहिए, मिश्रा को बनाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि भागीदारी पिछड़े दलितों को मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव तय करें कि आगे भागीदारी का रास्ता कैसे खुलेगा। तय कर दिया ना, 10% वाले को बना दिया। आप देखिए, अगर बना दिया तो क्या दलितों पिछड़ों के सवाल को विधानसभा में वो व्यक्ति कितना उठाता, ये देखना दिलचस्प होगा। मुसलमान, दलित, पिछड़ा और नेता बने 10% वाला ब्राह्मण। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव का ऐसा कोई क्लेम ही नहीं है कि वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। तो झूठ बोल रहे हो, संविधान बचाने की बात नहीं, कब कह रहा है चुनाव में? अरे भाई, मैं कह रहा, अरे भैया, अरे भाई उसने कब कहा कि जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं? वो कब कहा कि ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, ये तो बताइए। धोखा का सवाल ही नहीं है, जो संवैधानिक सवाल है, जो नहीं बिल्कुल, अरे नहीं नहीं, उनका आप ट्वीट देखिए, उन्होंने बिल्कुल ट्वीट भी किया है। नहीं नहीं, बोला है इंडिया गठबंधन ही तो उन सवालों पे उनकी वहाँ पे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, ये पूछ चढ़ाते हैं, वो फल चढ़ाते हैं, हवन करते हैं वो। ये भाई, ये बताइए उनका कब क्लेम है कि वो जो है शुद्ध ठेठ अम्बेडकराइट है? आप लोग क्यों किसी पे इम्पोज करें? अखिलेश यादव का ऐसा कोई, अखिलेश नहीं नहीं, आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं? वो शुद्ध अम्बेडकराइट होने का कि हम 22 प्रतिज्ञा फॉलो करते हैं, ऐसा क्लेम कब है उनका? बाबा साहब की फोटो संसद भवन में लगी हुई है। अब इसका मतलब ये थोड़े है कि संसद भवन में जितने लोग हैं उसमें से कोई मंदिर नहीं जाए। अब बाबा साहब सब कोई फॉलो, कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन अब डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करना, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति और तस्वीर का उपयोग करना और अंबेडकराइट होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों को मिक्स, दोनों को मिक्स मत करिए। अंबेडकराइट होना और अंबेडकर की तस्वीर और मूर्ति को रखना, दोनों अलग अलग बात है। ये कब उनका क्लेम है कि अम्बेडकर राइट है और फॉलो करते हैं? अखिलेश यादव का ऐसा कभी क्लेम मैंने तो नहीं सुना है कि वो कहें कि वो अम्बेडकर राइट हैं, 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं। वो तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो सब कुछ फॉलो करते हैं, वो मंदिर भी जाते। आप अम्बेडकर राइट नहीं, खुश दुख की बात ही नहीं है, उनका राजनीतिक दल है, वो तय वो है ही नहीं। मुझसे अगर आप अगर कोई कहे कि हम शुद्ध अम्बेडकराइट पार्टी हैं, अगर किसी का ऐसा क्लेम हो, हम एकदम अम्बेडकराइट पार्टी हैं, हम अम्बेडकर के आदर्श उसूल को फॉलो करेंगे, अगर यही काम वामन मिश्राम करेंगे, अगर यही काम वामन मिश्राम करेंगे तो आप सवाल उठा सकते हैं। यही काम हम कर दें, आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा क्लेम है, नहीं मेरा क्लेम है कि नहीं, हम मेरा क्लेम है हम अम्बेडकराइट हैं, तो आप सबके ऊपर नहीं इम्पोज कर सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हम क्यों? अरे भाई, हम पांडे और शर्मा से उम्मीद नहीं करते हैं, हम समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं और अखिलेश यादव से उम्मीद करते हैं कि वो बहुजनों के सवाल को उठाएंगे। मेरा किसी पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का वहाँ विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है, हम पार्टी से उम्मीद करते हैं। वो खुद पांडे नहीं बन गया ना, उसको बनाया अखिलेश यादव ने ना, तो अखिलेश यादव की पार्टी, हम अखिलेश यादव से उम्मीद करेंगे, हम उसकी पार्टी से उम्मीद करेंगे, अखिलेश यादव से उम्मीद करेंगे, ना कि हम किसी पांडे शर्मा से उम्मीद। पांडे जी तो सदन में मुद्दा उठाएंगे कि पांडे जी का जो इतिहास है वो तो और बुरा इतिहास है। उनका इतिहास है कि प्रोफेसर की बहाली में सिर्फ एक गैर ब्राह्मण उनके कार्यकाल में जो है चुना गया था, और बहुत बवाल हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। उनके इतिहास में जाएंगे तो फिर वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारा सवाल पांडे से नहीं है, हम अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव हमारे सवालों को उठा रहे हैं कि नहीं? अखिलेश यादव ने तो आपको बात करना है। अभी तो आपने उनको, आप देखिए तो सही, वो करते क्या है? ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई पांडे शर्मा मिश्रा, हम लोग खुद ही चाहते हैं
कि दलित आदिवासी की भागीदारी हर जगह, यही कांग्रेस पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान उठाकर घूम रही है, यही कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी आज बहुजनों के मुद्दे को सबसे मजबूती से उठा रहे हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ अधिवेशन में कहा था ना कि जो है भागीदारी देंगे आबादी के हिसाब से, नहीं दिया अब तक, नहीं दिया ना भाई। हमारा वोट तो और कोई ले रहा है लेकिन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में हमारे वोट के बिना है, वो भी तो हमारा वोट ले रही है लेकिन हमारे खिलाफ है। कोई हमारा वोट लेकर बिना वोट लिए बात कैसे करेगा? वोट नहीं लेगा, संसद नहीं पहुंचेगा, संसद नहीं पहुंचेगा तो बात हमारी कैसे करेगा? तो संसद हमारे वोट से पहुंचा, हमारी बात कर रहा है ना। उसने इतनी ईमानदारी तो दिखाई कि चुनाव के पहले वो बहुजनों के सवाल को उठा रहे थे, चुनाव के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि कितने मीडिया वाले जो हैं यहाँ एससी एसटी ओबीसी हैं, और चुनाव के बाद वो संसद में जब नेता प्रतिपक्ष बने तब वो जो है बजट का पूरा फोटो दिखा कर कह रहे हैं इस हलवा बजट में कितने जो है एससी और ओबीसी, एससी और एसटी हैं। तो ये सवाल तो उठा रहे हैं ना, तो उन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई। और हम लोगों को भी नैतिक बेईमानी नहीं दिखानी चाहिए। अगर कोई हमारे सवाल, अगर हमारे सवाल पर कोई काम कर रहा है तो उस सवाल पर उस आदमी के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने ईवीएम के पर सवाल उठाया, हम अखिलेश यादव के इस फैसले के साथ हैं। अखिलेश यादव ने पांडे को बनाया, हम पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते, उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। हम लोग तो चाहते ही हैं कि दलित आदिवासी की भागीदारी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रपति बना दिया है आदिवासी, लेकिन आदिवासियों के साथ क्या हालत की है? भारतीय जनता पार्टी तो जो है दलितों को अलग अलग जगह पर पोजीशन देती है, लेकिन दलितों का आरक्षण खा रही है, पिछड़ों का आरक्षण खा रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है, और ये सच भी, एक सबसे अधिक ओबीसी मंत्री बनाया, ये बीजेपी का दावा, यहाँ तक क्लेम है पीएम भी ओबीसी है। लेकिन देखिए जाति जनगणना के सवाल पर क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी का? आप देखिए कि ओबीसी के आरक्षण पर जो है, प्रमोशन में आरक्षण हो या ओबीसी का आरक्षण किसी भी लेवल पे हो, या हम लोगों की जो लंबी मांग है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू किया जाए, इन तमाम मांगों पर बीजेपी की क्या राय है, बीजेपी का क्या रुख है, बीजेपी का क्या अप्रोच है? नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, वह पद जो है वह एक राजनीतिक पद है, और राजनीति के हिसाब से वह पद दिया गया है, वो दिया गया है, वो उनका पार्टी का फैसला है, उनके पार्टी का कैबिनेट ने जो फैसला लिया होगा, मंत्रिमंडल उनके साथियों ने जो फैसला लिया होगा, उनका राजनीतिक फैसला है। पीडीए का मतलब हमारी नज़र में है पिछड़े दलित आदिवासियों के सवाल को क्या अखिलेश यादव उठा रहे हैं संसद भवन में। नहीं, मैं पांडे जी से उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव से उम्मीद कर रहा हूँ, और पांडे जी कुछ नहीं है, सब अखिलेश यादव सर्वोसर्वा हैं पार्टी के, और पांडे जी, झा जी, मिश्रा जी, ये तमाम प्रतीक हैं। अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के सवाल को पटल पर उठा रहे हैं संसद भवन में। जिस मजबूती से ईवीएम का सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है वह काबिले तारीफ है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें हमारी जात का नेता नहीं चाहिए, जात का नेता तो बीजेपी भर दिया, जात का नेता चाहिए ही नहीं, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। इंडिया गठबंधन अभी हमारी जाति की बात कर रहा है, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों बहुजनों के सवाल को ठीक से रेखांकित कर रहा है, बहुजनों के सवाल को ठीक से एड्रेस कर रहा है, बहुजनों के सवाल पर इंडिया गठबंधन लड़ाई कर रहा है। अभी देखिए कल संसद भवन में जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उन्होंने हलवा दिखाया बजट का, और राहुल गांधी ने सवाल उठाया इसमें दलित और आदिवासी कहाँ हैं? तो यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इस पर बात हो, इस पर कौन बात कर रहा था? राहुल गांधी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं, हम से नहीं, ये तो मैं इस बात के एकदम खिलाफ हूँ। ये सीधे सीधे एक भाजपाई सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये अध्यक्ष नहीं मानते हैं, ये सीधा सा भाजपा ये कहना चाहती है कि दलित जो है दलित नहीं। मैं इस सवाल का जवाब आप पहले सुन लीजिए, अगर कोई कहता है कि खड़गे जी को नहीं माना जाता अध्यक्ष, वो दलित विरोधी है, उसको दलित की योग्यता और क्षमता पर संदेह है। और ये इसके जो भी यह सवाल उठाए कि जो है खड़गे जी को नहीं माना जाता है वह एंटी दलित है, उसके ऊपर एससी एक्ट लगना चाहिए। तो आपका दोहरा रवैया क्यों है? मतलब समाजवादी पार्टी में पांडे जी की कोई औकात नहीं है और कांग्रेस में खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद यादव हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित हैं, एक पिछड़े हैं,
और समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि वो जो है एससी एसटी ओबीसी की पार्टी है, वो सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टी है। और बैकग्राउंड में जाएंगे तो फिर तो और आपको परतें घेरिएगा तो पूरा समाजवादी धारा ही आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। योगी जी कह रहे हैं कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया है, क्या काबिल नहीं है शिवपाल यादव? योगी जी ने तंज कसा है आज। नहीं, योगी जी जो है ये बताएं कि कह रहे हैं भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया, तब तो योगी जी को ये भी बताना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य किसको गच्चा दे रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो उनको योगी जो है नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और जो है देश के गृह मंत्री को। तो योगी जी को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि उनको कौन गच्चा दे रहा है, वो किसको गच्चा दे रहे हैं। 10% वालों को आप नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं, 90% वालों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये कैसी नजरअंदाज का सवाल ही नहीं है। अगर आपके पैमाने से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि सबसे अधिक पोजिशनिंग तो सबसे अधिक पद प्रतिष्ठा तो भारतीय जनता पार्टी देती है। तो फिर हम उस पद प्रतिष्ठा का क्या करेंगे जब आप दलितों पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों को हक देने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, जिनका कोई क्लेम भी नहीं है कि वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। अखिलेश कब कहा ब्राह्मणों की पार्टी नहीं? जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहती रही है कि हम जो है एससी एसटी ओबीसी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं,